अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो सेंटेंस था, और सेंटेंस के बाद हमने जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा जो है टॉपिक लिया था, और उसमें हमने पढ़ा था एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। एसर्टिव या उसको हम दूसरे नाम से ताबीर कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे इसके बाकी काइंड्स। फॉर एग्जांपल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस किस्म का सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो है एक्सप्रेस किया जाता है इमोशंस को, और ये इमोशंस जो है ये खुशी के जज्बात भी हो सकते हैं और गम के जज्बात भी हो सकते हैं, ये खुशी के एहसास भी हो सकते हैं और गम के एहसास भी हो सकते हैं। कहने का बस मकसद ये है कि जब हम हैरान हो जाते हैं, जब हम हैरान पड़ जाते हैं किसी चीज़ पे, चाहे वो चीज़ अच्छा चीज़ हो या गलत चीज़ हो। फॉर एग्जांपल, हम किसी हैरत अंगेज चीज़ को देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, और इसी तरह अगर हम किसी दिलकश नज़ारे को देखेंगे वहाँ पे हम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे खुशी के जज्बात हम एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पे हम गम के एहसास एक्सप्रेस करेंगे। तो ये इस किस्म के जो सेंटेंस होते हैं ये हम मानते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस लिखेंगे, what a fine dish it is, okay? और हमें ये भी क्लियर करना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसके लास्ट में हम डालते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, व्हाट अ फाइन डिश इट इज, और इसमें जो है इसमें हम जेस्चर्स के जरिए से इस सेंटेंस का जो है इस सेंटेंस की मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। देखिए कैसे, व्हाट अ फाइन डिश इट इज, सो यहाँ पे हैरत दिखाया जा रहा है। अगर हम इस तरह पढ़ेंगे व्हाट अ फाइन डिश इट इज, ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये मान लीजिए ये असर्टिव सेंटेंस की शक्ल इख्तियार करेगा, हालांकि ये होता है क्या कहते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी, यानी यहाँ पे हैरानगी दिखाई गई है। और उस हैरानगी को हम फिजिकली कैसे दिखा सकते हैं, जेस्चर्स के जरिए से कैसे दिखा सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट अ फाइन डिश इट इज, यहाँ पे हैरानगी जो है हैरानगी दिखाई गई है। तो इस किस्म का सेंटेंस जो है इसको हम मानते हैं ये एक्सक्लेमेटरी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सेंटेंस है, हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज, यहाँ भी अरे वो कितना मजबूत इंसान है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना कवि है, तो इसमें भी हैरानगी को जो है दिखाया गया है। तो कहने का मकसद यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो है हम एक्सप्रेस करते हैं जज्बात को, एहसासात को, और वो जज्बात और एहसासात गम के भी हो सकते हैं और खुशी के भी हो सकते हैं। और जो है अगर हम उर्दू में इसको देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये बनेगा कौन सा सेंटेंस, जुमला ताज्जुब इंबिसात। ताज्जुब मतलब हैरानगी, इंबिसात मतलब खुशी, यानी वो जुमला जुमला ताज्जुब इंबिसात, यानी वो जुमला जो हम लिखते हैं तब जिसमें, या वो जुमला जिसमें ताज्जुब हैरानगी और खुशी के एहसास को दिखाया जाता है, इस किस्म के सेंटेंस को हम मानते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो दिस वाज समथिंग अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ सी, देयर इज अनदर काइंड एंड दैट इज सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज पोटेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें और एक टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये वो सेंटेंस होता है जिसमें जो है हम बयां करते हैं विश को या डिज़ायर को, यानी अपनी हमारी उम्मीद क्या होती है, हमारे इरादे क्या होते हैं, हमारे क्या कहते हैं इसको ये मकासिद क्या होते हैं, यानी इसमें हम जो है अपने अंदरूनी तकाजे होते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, हमारी डिज़ायर क्या होती है, उस डिज़ायर को हम जो है मानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और विश यानी कोई किसी को दुआएं देता है, या किसी को दुआ करना, किसी को दुआ देना, किसी को दुआएं खैर करना, ओके, ये सेंटेंस भी हम मानेंगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे, मे
you live long. See the sentence. और आपको मैं बता के चलूं वो ये जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इसके लास्ट में भी हम जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। एक तो हम डालते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी जो है हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में डालते हैं। अब देखिए मे यू लिव लॉन्ग, अगर हम इस सेंटेंस का मोड देखेंगे तो इस सेंटेंस में जो है इसमें जो है इसमें विश को दिखाया गया है, यानी इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को दुआएं दे रहा है। मे यू लिव लॉन्ग यानी आप को आपको उम्र दराज नसीब हो, यानी आपकी उम्र बड़ी हो, यानी आप बहुत ज़्यादा जो है उम्र काटे, तो इसमें जो है इसमें दुआएं दी गई है, तो हम मानेंगे कि इसमें विश है, इसमें विश है। ओके ओके, इसमें विश है, तो विश वाले सेंटेंस को हम मानेंगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसी तरह अगर हम लिखेंगे आई विश आई वर आई विश आई वर किंग, तो आप इस सेंटेंस को देखिएगा आई विश आई वर किंग, ऐ काश में बादशाह होता, ऐ काश में बादशाह होता, तो इस वाले सेंटेंस में जो है इसमें डिजायर को दिखाया गया। अगर आप पूरी तरह से गौर करेंगे इन दो सेंटेंस पे तो पहले वाले सेंटेंस में विश को दिखाया गया है, यानी दुआ दुआ कर रहा है एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, तो दूसरे में जो है दूसरे में दिखाया गया है डिजायर, यानी एक इंसान की तमन्ना क्या है, यानी तमन्नाओं को जो है पेश किया गया है इस सेंटेंस में। तो हम मानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है इन नर्चर कि जिसमें जो है विश होती है और डिजायर, यानी डिजायर वाले सेंटेंस और विश वाले सेंटेंस को हम कैटेगराइज क्लासिफाई करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट दीज यू नो थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एंड इंशाल्लाह होपफुली वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर काइंड्स ऑफ द सेंटेंस इन द कमिंग डेज। लेकिन आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।